श्रीमती कक्या साहब परवीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय। मैं आज इस बिल के समर्थन के लिए खड़ी हूँ। किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा सुख दिन जो होता है वो जब वो माँ बनती है, और जब औरत माँ नहीं बनती है तो उसे समाज में कई तरह की प्रताड़ना सुननी पड़ती है। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है, और शायद उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही जो ऐसे जोड़े हैं जिनको औलाद नहीं है उनके बीच ये बिल ला करके उन्होंने खुशियां बिखेरने का काम करने की कोशिश की है। मैं इसलिए उनको बधाई देती हूँ। आपने इस बिल में कई बातें कही हैं, जिन बातों की चर्चा पूर्व में सारे वक्ताओं ने की है, और ख़ासकर हमारे कमेटी के जो चेयरमैन हैं रामगोपाल यादव जी ने, उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उनमें बहुत सारी सिफारिशों को भी लेना चाहिए। मैं इसका भी अनुरोध करती हूँ। आपने एक बात जो कही है वो मैं ये 5 साल की बात इसलिए आपसे एक साल में कह चाहती हूँ, मेरी भी इसमें आपसे गुजारिश होगी, इसलिए कि जिस औरत को ये मालूम है कि वो माँ नहीं बन सकती है, उसकी शादी अगर धोखे में किसी माँ बाप ने कर दी और उसके जोड़े यानी शादी में जो खर्च किया तो खर्च किया, अब उसके बाद दूसरी के उसको घर में बैठा देंगे अपनी बेटी को, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर इस तरह से बच्चे अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी जो है ठीक रह जाएगी। और जैसा बताया कि आजकल शादी लेट से होती है तो फिर बच्चे 5 साल का इंतज़ार करते करते उनकी ज़िंदगी में और नफ़रत फैलने लगेगी। एक आपने कहा है कि ये कि इसमें निजी रिश्तेदार, निकटतम रिश्तेदार होने चाहिए। मान लिया कि मुझे औलाद नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, और हमारा भाई यानी हमारे जो निकटतम रिश्तेदार हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और हमारा जो दूरी रिश्तेदार है वो हमारे पास रहता है और हमारे दुख और दर्द को समझता है, इसलिए निकटतम रिश्तेदार आप किसको मानेंगे, इसकी परिभाषा को आपको स्पष्ट करना होगा। जब भी कोई कानून विधि बनाते हैं उसमें उसको अमली जामा पहलाने के लिए मौलिक वैधानिक शब्दों का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे चलकर कोई व्यवधान पैदा ना हो जाए। मैं ये बात भी सही है, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि 35,000 सरोगेसी क्लिनिक चल रहे हैं, और इस सरकार के मुताबिक देश में सरोगेसी का सालाना कारोबार लगभग $2 अरब का है, और भारत में सरोगेसी तकनीकी का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भारत में होने वाली सरोगेसी का लगभग आधा हिस्सा विदेशी दंपतियों से ही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से को एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ कि सरोगेसी के लिए जिस तरह से इसका व्यवसायीकरण किया गया है, उसकी रोकथाम के लिए आप ये बिल लाए हैं, तो मेरी जो सोच ये है कि अगर हम लोग जो बच्चे को गोद लेने की अगर प्रक्रिया को सरल कर दें तो ये सरोगेसी की ज़रूरत नहीं आएगी। आज कहीं ना कहीं इतनी जटिलता है जिसकी वजह से लोग गोद लेने के बजाय सरोगेसी पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक वाकया बताना चाहती हूँ कि भागलपुर में सुल्तानगंज जहाँ उत्तरी वाहिनी गंगा बहती है, वहीं घाट पर एक बच्ची जो 4-5 दिन का लड़का था उसको उसके माता पिता ने छोड़कर चले गए। रात का समय था, ठंडे का वक्त था, जब लोग गए उसके पास में देखने के लिए कि बच्चे की रोने की आवाज़ है, तो एक वाइफ और हस्बैंड जिसको बच्चा नहीं था वो गया जब लेने के लिए, उस बच्चे को लेकर चला आया, सब पूरे लोगों ने कहा कि इसको बच्चा नहीं है, इसी को दे दिया जाओ, ये बच्चे की देखभाल भी करेगा। जब बच्चा 3-4 साल का हो गया तो कुछ लोग जो हैं उसको कि ये बच्चा इसके ज़्यादा बहुत अटैच्ड हो गया है और मम्मी पापा बच्चा भी उस माँ बाप के बिना रह नहीं पाता था, तो उस पर दबाव बनाया गया कि तुम उसको परेशान किया गया, उसके बच्चे को छीनने की कोशिश उससे की गई। तब ये खबर जब मेरे तक आई तो मैंने समाज कल्याण विभाग से कह के जो प्रक्रियाएं थी वो प्रक्रिया कराया और उस बच्चे को उसकी माँ को दिलाया। तो कहीं ना कहीं जटिलताएं हैं, अगर इस जटिलताओं को सरल कर दिया जाएगा गोद लेने की प्रथा को, तो ये सरोगेसी की ज़रूरत भी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।